राम जी, स्रोत संगन ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम है और रात ना आई थी, शाम ना आई थी, हमारा बारिश तो आई नहीं, आंधी ज़्यादा आई थी तो सारे का धूल धप्पा चढ़ा दिया था और ये साफ सफाई करके निमटे हैं। तो खेत में आ गए थे हम और हम खरड़पल्ली दौड़ लाग रहे थे और ये देखो नहर का कितना ठंडा उसका बढ़िया पानी चल रहा है। ये कोई ट्यूबवेल नहीं है, मतलब ये नहर का पानी है जो पाइप दबकाया करे, तो वो पानी था, मीठा पानी था। मका सारे खरड़ पल्ली धो लाऊंगे। इन को राइस कट्टे ना बचा कर धर लियो, थोड़ा ना चढ़ जाएगा, कट्टे पर धर लियो। इतना खरड़ दो का हमने सुखा दिए हैं, इतना हम खेत में परले में जा रहे हैं देखन, इतने थोड़ी बार धूप लग जाएगी इनका, फिर ये ज़्यादा वजन नहीं होगा। तो ईब चलते हैं अपने दूसरे खेत में पैदल पैदल, नवीन आग गजा लिया है और मैं पछे पछे चल रही हूँ। अभी देखो एक किले के अभी फांस भी पड़े हैं बनाने, लोग कति लेट लथी पे चल रहे हैं, अभी इसके फांस भी नहीं बने हैं, लोग नजवार बोदी। तो हमने जवार भर दी है, थोड़ी छिद्दी सी होगी, पता नहीं क्या होया बारिश होने के बाद कीड़ा सा बन गया इसमें, तो इसमें पानी दे दिया है। और इसमें हमने वो बो रखे हैं मूंग, इसमें रामड़ बन गई, इसमें पानी देना पड़ेगा शायद। और इसमें दो दिन पाछ बोई थी, इसमें भी मूंग बो रखी है, इबे दिखाई नहीं दिया क्यों, दो चार दिन हुए हैं बोई ने। तो ये मूंग मेरा मड़ हो रही है तो इसमें पानी देने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी बार इसमें चलाऊंगे। और एक काट दिया है नाका, अड़े का आ जाएगा पानी। आगे तो खंभा टूटा पड़ा है, आंधी में टूट गया था खंभा, दिखाएंगे आप सब ने भी। आंधी में ना टूटा हो, ट्रैक्टर ने टक्कर मारी और नाम आंधी का कर दिया, आंधी तो बदनाम है। तो ये पानी चल जाएगा इसमें और खंभा भी रास्ता रोक रहा है, कुछ लकड़ी पड़ी है इन्हें भी ले जाएंगे, हमारा नागोरी जाय लिया है। और ये खंभे ने ठाक किधर टेकेंगे, कति ट्रैक्टर वाले ने मार का टक्कर और कर दिया इसका काम तमाम। तो पानी आ गया इसमें भी, देखो मूंग का पेड़ा किसा हो, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा तो दिखाऊंगी, एक आधा जमन लग रहा, किसी गए रहे हो मूंग के पेड़े, देखो ये जमन लग रही सर, ये बस दिखा नहीं गया, पाँच सात दिन में पानी देने के बाद दिखाई देगा। टूबल चल गया हमारा, ये दिखन लगी मूंग, ये देखो छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं मूंग के। तो इसमें पानी तेज चला दिया है और ट्यूबवेल चल गया है, इसमें तो दिखा होगी क्योंकि इसमें रमड़ नहीं बनी है। अरे ट्यूबवेल चल गया है, अरे अब चलते हम एक और खेत में जिस हमारी और ज्वार बुरी है। तो अमरूद हमने बचा लिया है, मना डर लगा था कंपेन की बटपेड में रेफर की मार जाएगा, तो बच गया है ये, और अब के तमाशे में अच्छी तरह ग्रोथ कर जाएगा, सही ठाडा हो जाएगा। नींबू तो हमारा ख़त्म हो गया, उड़ा बो रखा था, हमारा ज्वार का खेत है, इसमें भी रामड़ होगी थी पर इसमें दिखाई दे रही है ज्वार, ये देखो कदे कदे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नीचे बैठ कर
देखो ये जामन थी, ये हादसे का शिकार होगी। जो मैंने पिछली बार दिखाई थी कोर भी आ गया था इसमें, देखो बेचारी बट पेड़ में पता नहीं आंधी में कैसे आग लग गई। और ये सारे पत्ते देखो कैसे झुलस गए यार, ये पत्ते थे कति बिल इसके ही से कति। और देख चुकर आग कितनी भयंकर होती है, ये कैसे जला दिया आंधी में, उड़कर पतंगा लग गया ना तो इस पर भी फड़ा था। ये बात दी जलगी इस पर तो कोई जो नहीं है, आने का आगे साला होगा। देखो यह है हमारी जामन, एक बार तो यह कति गंजी हो गई थी बेचारी, हड़े तक कट गई थी आंधी में सारे डाले रंग पा रही थी। और इसका यो भी कारण है कि वह गणी की डिकी सी है, जो कर देखो एक कुकर जाल जाल बनया हुआ, डाले में डाले फंस रहे हैं। इस कारण यह हवा में नुनी का, अगर हवा इसमें पार नहीं होती तो वो पेड़े पट जाए। थोड़ी सी ये दुलस भी गई है भी, ये भी बट पेड़ में आ गई। इसका कुछ कोर नहीं आ रहा, एक साल हवा इसका थोड़े बहुत आ रहे हैं, इसका के जामन कमल लागती दिखे हैं, एक साल ज़्यादा आवा है। राजा मन का आकर इसने जो पति अंगूर जी सी लाग गया करें, इबके ने जो लागी तो दिखाऊंगी आप सब ने। इब करा तलने की कर दी है तैयारी, सारे खड़ फूक गए। और देखो आवे कितनी नज़दीक, कति पास कजा रहा है ये, जम्मू कटरा दिल्ली दिता जम्मू जा है ये। और अब चलते हैं।